Hello students, today we are going to start exercise 7.1. In this exercise, we are trying to find the distance between the following pairs of the points. And in the previous video, we have discussed about the distance formula. Distance formula you know very well. I am repeating again. Distance formula is related to distance formula is between two points. And you know the points means. Points means the points are always represented by x and y, right? अब देखिए यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि अगर मैं by the way यहाँ पर एक plane को divide करता हूँ quadrant में, suppose one point यहाँ पर है, one point यहाँ पर है, तो how can you find the distance between these two points? This is the meaning of this, right? And what is the formula? Suppose it is a and it is b, so how can you find the distance ab? And I have told you the formula. Formula is difference of x coordinate, square of the difference of x coordinate. So it means x2 minus x1 or x1 minus x2. You can put any one. Plus y2 minus y1 whole square or y1 minus y2 whole square. Any one you can take. Means difference, in difference you can change the order also. It doesn't affect the value. So, because we don't know which one is y1 and which is y2, which we have supposed here. And in this case, how can we identify that which one will be x1 and which one will be y1? Suppose, मैंने ये मान लिया कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो मैं यही formula यहाँ पर भी apply करने वाला हूँ, जो same formula बात कर रहे हैं. इस formula की बात करते हैं तो क्या है? Distance formula means कि suppose ये मेरे लिए A point है, ये मेरे लिए B point है. तो AB की value अगर मुझे निकालनी है फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एब्सिसा स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एब्सिसा मींस 4 एंड 2 सो इट इज 4 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 होल स्क्वायर आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट नाउ करा गया मैंने सबसे पहले यहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का माइनस करा स्क्वायर किया फिर वाई कोऑर्डिनेट का माइनस किया स्क्वायर किया फॉर्मूला भी यही कह रहा है x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर राइट तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर समझा इसके बाद जो हम बात करते हैं आगे तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हियर सो नाउ व्हाट इज द रिजल्ट रिजल्ट वी आर गेटिंग इट विल बी 4 माइनस 2 4 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2 होल स्क्वायर देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप 3 माइनस 1 करो या 1 माइनस 3 करो क्योंकि स्क्वायर अगर यहाँ से नेगेटिव भी आता है तो स्क्वायर उसको हमेशा पॉजिटिव ही बनाएगा तो इट मींस यहाँ पर x2 माइनस x1 या x x1 माइनस x2 कुछ भी करो आपको रिजल्ट एक ही मिलने वाला है राइट अब यहाँ पर आया था ये 4 प्लस 4 इट इज रूट 8 इसको मैं 2 रूट 2 भी लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि ये जो होता है ये 4 इंटू 2 हो जाता है और 4 का रूट 2 है इस तरह से आप डिस्टेंस को हमेशा रूट में ही छोड़ सकते हैं और यहाँ पर यूनिट जरूर लिखें क्योंकि यूनिट में ही आपकी लेंथ आती है डिस्टेंस ये था क्वेश्चन राइट अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर नेक्स्ट वाला पार्ट भी ऐसे ही है कुछ कुछ ओके आई एम डूइंग हियर इसमें अगर मैं बात करता हूँ एक x1 minus 5 है x2 minus 1 है ये y कोऑर्डिनेट है तो क्या करना चाहिए फिर मैं डिस्टेंस निकालूंगा क्या फॉर्मूला लगेगा डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम डिफरेंस देखिए जब भी हम यहाँ दोनों माइनस में क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा एरर होती है डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम माइनस वन माइनस माइनस वन ये समझना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दो माइनस कैसे आए एक माइनस तो डिफरेंस की वजह से आया और एक माइनस वन का खुद था राइट स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सेवन माइनस थ्री या थ्री माइनस सेवन कुछ भी कर सकते हो ओके नाउ माइनस फाइव एंड माइनस माइनस प्लस वन एक्चुअली में ये है ये बिल्कुल ध्यान रखना है अगर दो माइनस होते हैं और उनका डिफरेंस निकालना होता है जैसे मैंने बोला माइनस फाइव और माइनस फोर का डिफरेंस क्या है तो छोटा बच्चा ही बताएगा माइनस माइनस फोर तो वन माइनस तो डिफरेंस की वजह से आया और एक माइनस उसका खुद का था ओके नाउ यहाँ पर ये आ गया फोर स्क्वायर करेक्ट नाउ कमिंग टू द पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है मुझे नेक्स्ट पॉइंट में जो आती है बात वो आती है इसका मैं माइनस फोर स्क्वायर कर देता हूँ इसको फोर स्क्वायर कर दूंगा अब ये मेरे लिए क्या बन जाता है फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन
प्लस 16 एंड इट इज 32। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये 16 इनटू 2 हो जाता है और 16 का रूट पॉसिबल है और मैं इसको यूनिट ऐसे लिख राइट। सो प्लीज नोट डाउन दिस सम्स। फॉर्मूला एक ही है और आई थिंक इस पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले ने काफी कुछ कवर किया, काफी बड़ा पार्ट कवर करता है इस चैप्टर का, तो आपको पता लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस पार्ट में क्या कहता है, वेरिएबल की बात करता है, नंबर्स हटा दिए उसने, वेरिएबल फॉर्म में दे दिया, तो इट मींस अब जो आंसर आने वाला है वो वेरिएबल फॉर्म में ही आएगा जनरली। सो ए बी इज अ वन कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट इज माइनस ए बी, हम निकालते हैं जरा डिस्टेंस, डी लिख देते हैं डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये कोऑर्डिनेट ए माइनस माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट, आपको समझ में आ गया होगा, ये माइनस माइनस दिस, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका खुद का, बी माइनस माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस को सिर्फ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट में मिस्टेक होता है। अब यहाँ पर आते हैं, ये कितना हो जाता है देखिए जरा, ए प्लस ए होल स्क्वायर, बी प्लस बी होल स्क्वायर, सो इट विल बी टू ए स्क्वायर एंड टू बी स्क्वायर, करेक्ट, ये रिजल्ट आ गया हमें सामने। Now, what is 4a square plus 4b square? And I think if you take 4 common, so it will be a square plus b square. And 4 का square root आपको मालूम है क्या होता है, 2 है, सिर्फ अंदर रह जाएगा आपका a square plus b square and unit, और ये आपका आंसर। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली, right? Now, coming to the second question. देखिए इस वाले केस में क्या किया है, इसने दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन ही दिया है। इसका मतलब है कि अगर मैं ग्राफ में थोड़ा इसको स्टडी करता हूँ तो मतलब ये कहीं यहाँ पर रहा होगा बाय द वे 36.15, तो हम मुझे यहाँ से कंपेरिजन। इसके दो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, एक तो हम डिस्टेंस रूल लगाते हैं, दूसरा मेथड ये भी ले सकते हैं कि ये जो पॉइंट आया होगा तो इसने 36 यहाँ से मूव किया होगा, 15 यहाँ से मूव किया होगा, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज किया था, करेक्ट। ये तो क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला भी वहीं से आया है तो हम वी कैन डायरेक्टली यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करें, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वी विल राइट है डिस्टेंस बिटवीन टर्म्स, या दो पॉइंट्स कह देते हैं, दो पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स, व्हिच वन, 0 0 and 36 and 15 are is equal to what, square root of, अब तो आपको बिल्कुल ये formula रट जाना चाहिए, difference of x coordinate, यहाँ तो एक तो 0 ही है तो difference को कुछ आना ही नहीं है, 15 minus 0 whole square, so it will be 36 square and it will be 15 square, right? Now, what is the square of 36 and what is the square of 15? You should know, because without this one, we can't do anything. 36 square, we know, it is 1296 and it will be 225, and what will be the sum of this one, 1521, and finally, the value means square root of 1521 is 39, so we will remove the, it is a perfect square, 39, and this is the answer. So this is about question number 2. Question number 3 में देखते हैं, question number 3 means सभी में यही चीजें यूज होनी है, but different different stories देखने को मिलने वाली है. Students, ये sums बहुत important है, ये वाला sum इतनी variety है इस question के अंदर, इसके solutions में बहुत variety देखते हैं. अभी सिर्फ हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से बात करें तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, फिर एक आएगा आगे जाकर एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पर, वहां पर भी इसका सोल्यूशन अलग तरीके से हो जाता है, तो इट मींस यहाँ पर कई वैरायटी के साथ ही चलता है। अभी मैं अगर मैं इसको लीनियर की बात करता हूँ, पहले कोलीनियर को समझने की कोशिश करते हैं, कोलीनियर है क्या, कोलीनियर का मतलब ये है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं और अगर वो एक ही लाइन में लाई करते हैं तो वो कोलीनियर है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है, कोलीनियर तो है, बिल्कुल सही बात है, आपको कैसे डिसाइड करोगे कि पहले कौन सा पॉइंट आने वाला है, या तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, आप या तो आप ग्राफ से इसको
फाइंड आउट करोगे कि कौन सा पॉइंट मिडिल में आने वाला है, राइट कर सकते हो भी। लेकिन अगर पॉइंट्स बड़े बड़े हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं कि जब अगर ये कोलिनियर है फॉर एग्जाम्पल और ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ऑर्डर भी मान लिया कि ये ऑर्डर होने वाला है, अगर सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर मैं हर एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालू, समझ रहा हूँ, अगर हर एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालू, मतलब मैं पहले ए बी निकाल लेता हूँ, राइट, फिर मैं बी सी भी निकाल लेता हूँ एंड फिर मैं ए सी भी निकाल लेता हूँ, मतलब जो जो पॉसिबल डिस्टेंस हो सकती है इन तीनों कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो मैं निकाल लेता हूँ। फिर मेरे लिए क्या चेकिंग होगी कि क्या ऐसा कोई केस बन रहा है, सपोज मैंने ये बोला ये आ गया 2, राइट, ओके, ये आ गया सपोज 5 और ये आ जाता है सपोज 3। तो अगर मैं इस केस को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि आप क्या इसमें से कोई ऐसी दो डिस्टेंस है जिनका सम करके वो तीसरे डिस्टेंस के साथ इक्वल हो, अगर ऐसा कोई केस मिल जाता है तो समझ लेना वो कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर कंडीशन क्या है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो इट मींस, बिकॉज अगर मैं ए बी बोलता हूँ ए बी प्लस बी सी तो वो ए सी के साथ तो इक्वल नहीं हो सकता ना, अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। तो ए बी प्लस बी सी एंड ए सी कैन बी इक्वल व्हेन दे आर इन लाइन, जब तक वो लाइन में नहीं होंगे जब तक ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और अगर ऐसा प्रूव हो गया कि ये प्लस ये मीन्स दो साइड का सम तीसरी साइड के साथ इक्वल हो जाए, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो साइड बहुत बड़ी है, जैसे मैं इस केस की बात करता हूँ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो इससे ये पता लगता है कि ये साइड बड़ी है, मतलब ये साइड दोनों साइड्स का कंपोजिशन है, इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे करेंगे। ये केस की बात कर रहा हूँ। इस केस में आपको क्या करना है, आपको तीनों डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में 3 डिस्टेंस पॉसिबल, राइट, 3 डिस्टेंस पॉसिबल, ओके। नाउ आई एम गिविंग द नेम कि मैंने इसको ए पॉइंट दे दिया, इसको बी दे दिया और उसको सी दे दिया, अपने समझने के लिए। अब मुझे ये चेक करना है कि ये कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं ए बी निकालू। ए बी निकालने के लिए मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के चेक करने हैं, वो 2 और यहाँ 1 है, तो मैं 2-1 का स्क्वायर रखूंगा, राइट। फिर मैं वाई कोऑर्डिनेट को चेक करूंगा, 3-5 है या 5-3 भी ले सकते हो, और फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये बनता है 1² और ये बनता है -2². और अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो ये √5 मुझे देता है यूनिट, 1 डिस्टेंस मेरी निकल गई। नाउ अब मैं BC निकाल लेता हूँ, BC क्या निकलेगा, मैं B और C के कोऑर्डिनेट को देखूंगा, यहाँ पर अगर आप देखते हो 2 और यहाँ -2, तो मैं दोनों का डिफरेंस करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि 2-2, एक माइनस मैंने डिफरेंस की वजह से लगाया और एक माइनस ऑलरेडी x के पास था, प्लस 3-1। देखिए यहाँ पर भी वही केस बना, आगे चलते हैं, ये क्या बनेगा, देखिए -2 + 2 = 4, 4² 3-3 कितना आ गया 4². नाउ अगर आपको देखें तो ये आ रहा है 16 + 16 = 32 को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 2⁵। अगर मैं थोड़ा और इसको ऐसे करता हूँ तो 16 × 2 कर देता हूँ, छोड़िए, और ये बनता है 4√2। इस तरह से मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, राइट। अब मैं नेक्स्ट वाले पर चेक करने जाता हूँ, ओके। नाउ व्हाट इज एसी, एसी चेक करते हैं। एसी चेक करने के लिए अगेन अब मुझे सिर्फ ए और सी के कोऑर्डिनेट पर मैं टारगेट करूंगा, 1 and 1 - -2, तो कितना आ गया 10 2, क्योंकि एक माइनस मेरा एक माइनस इसका, प्लस 5, एक माइनस मेरा एक माइनस इसका, ओके। अब देखिए आपको माइनस से डील करना आ गया, जब आप करते हैं तो बहुत जल्दी होता है ये, 3² + 6² कितना आ जाता है स्टूडेंट, 9 + 36 कितना हो गया ये 45। अब 45 का मतलब ये है कि मैं इसको 9 × 5 कर देता हूँ तो ये 3√5 मुझे देगा, यस,
थ्री रूट फाइव। नाउ अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर की कैटेगरी में जाएगा। ओके वन मिस्टेक इज हेयर स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली 11। चलिए मैंने वन के अकॉर्डिंग कर दिया, वन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक बार चेक कर लेते हैं कोई बात नहीं। अगर रूट फाइव ये आता है रूट फोर रूट टू और ये होता है थ्री रूट फाइव। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ सारी डिस्टेंसेस, रूट फाइव फोर रूट टू एंड थ्री रूट फाइव। क्या ऐसी कोई भी दो साइड है इनको ऐड करके मुझे थर्ड साइड मिल जाए। अगर मैं एक बार यहाँ से देख लेता हूँ ये दोनों ही मिलकर कभी भी कुछ नहीं बनाए क्योंकि ये खुद ही रेशनल नंबर की कैटेगरी में है। चलिए इस कॉम्बिनेशन को हटा देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं बनेगा राइट। ओके वी विल चेक दिस वन ऑल्सो, ये मुझे फोर रूट फाइव देता है, ये नहीं है। तो इट मीन्स क्या कि दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर। बट एक्चुअली में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली 11 है और हमने यहाँ पर वन कॉपी कर लिया है। अगर मैं इसको 11 लेता हूँ, बाय द वे 11 ले लिया तो मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट में तो कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि ए और बी के बीच में डील कर रहे हैं। बी और सी में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर ये हमें 14 देने वाला है राइट, यहाँ पर हमें ये 14 देने वाला है। नाउ इस केस में भी आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे, इसमें भी आप चेंज करेंगे। मीन्स नाउ आई थिंक यू कैन फॉलो द पैटर्न, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो क्या आने वाला राइट। तो आई होप यू कैन डू दिस सब। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही है मेन जो हम अप्लाई कर रहे हैं। कोलिनियर के लिए आपको बड़ा स्पेसिफिक होना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑल थ्री पॉइंट्स एंड देन यू विल चेक द सम ऑफ टू डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस ऑल द पॉसिबिलिटीज अगेन। इफ इट इज देयर देन यू कैन सी दैट दे आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट इस सम की बड़ी अच्छी खासियत है, क्या खासियत है, इसमें ग्राफ दे दिया है राइट। और देखिए स्टोरी क्या है, स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ के थ्रू उसने चार पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, नोट कर दिए, और अब वो ये पूछ रहा है कि चार फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी करेक्ट। सबसे पहले वो कह रहा है चार फ्रेंड्स हैं, वेरी गुड, वो बैठे हुए हैं अपने अपने अरेंजमेंट्स पर। नाउ अब वो कह रहा है कि अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए मीन्स ए बी सी डी, तो एक तो हमें ये देखना है कि क्या वो स्क्वायर बना रहा है। स्क्वायर बना रहा है तो आपको वेरीफाई करना है, आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर बनेगा, मीन जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो स्क्वायर आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है राइट। सो ये दो चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, पहले वो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको प्रोसीजर पता है कि ग्राफ पर प्लॉटिंग जब करते हैं तो पहले आप एक्स एक्सिस पर मूव करते हो, तो हमारे लिए ये हमारे लिए ओरिजिन का काम करने वाला है करेक्ट। अगर ये ओरिजिन का काम करने वाला है तो इट मींस इट इज 0 0 0, तो यहां से ये ऐसे ट्रेवल किया होगा और फिर यहां पहुंचा होगा राइट। 3 एंड देन 4, सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट 3 4। देखिए ये 3 चल रहा है फिर ये इतना 4 है क्योंकि तो हमें वाई एक्सिस के अलोंग ही चेक करना होता है, तो वाई एक्सिस के अलोंग ये 4 है। अब इस केस में आते हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला है 6 और ये ऊपर गया 1, तो इट मींस 6-1 का मूवमेंट, मतलब इसका पोजीशन मिला हमें 6-1। इस केस में आएंगे 6 चला है देन मूव टू अलोंग विद 7, तो कितना आ जाता है ये 6-7। इस पर आ जाते हैं यहाँ से ये 9 मूव किया देन 4-9। देखिए अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम थी वो हमने कर लिया। अगर मैं अब इस फिगर को ज्वाइन करता हूँ, इस फिगर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ये बताना है कि ये एक तो स्क्वायर फॉर्म है राइट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर, यस व्हाट इज 3-4, 6-1, 9-4 and 6-6। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है। ओके नाउ अब हमने कोऑर्डिनेट की बात कर दी यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर को समझते हैं पहले। स्क्वायर की कंडीशन क्या है, स्क्वायर कैसे प्रूव करोगे कि वो स्क्वायर। स्क्वायर को प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन होती है कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल करेक्ट, बट ऑल साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, तो इसमें क्या अलग है।
इसमें अलग ये है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। अब प्रॉब्लम ये आता है 90 डिग्री कैसे प्रूफ किया जाए। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप इसका ये निकाल लीजिए, क्या है ये डायगोनल। अगर ये जो ट्राइंगल है अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें और वो वेरीफाई हो जाती है तो इट मीन्स ये 90 डिग्री ही है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के केस में ही वेरिफिकेशन पॉसिबल है। उल्टा भी कह सकते हो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करेगा ही करेगा, और इफ पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइज हो जाती है तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा। बोथ आर सेम, बोथ आर वाइस वर्सा, राइट? कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम चलेगी ही चलेगी, बट हमें नहीं पता राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये चल रही है। अगर ये चल रही है तो इट मीन्स 90 डिग्री है, मतलब यही है दोनों का, करेक्ट? तो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मैं सबसे पहले ए बी डिस्टेंस जितनी भी है जो जो हमें स्क्वायर के लिए चाहिए हम वो सारी डिस्टेंस को पहले निकालते हैं वन बाय वन। तो मैं इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट्स। नाउ ए बी, व्हाट इज ए बी है? अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, देखिए फर्स्ट ए बी पॉइंट हमारे पास ये है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 6 - 3 होल स्क्वायर, राइट? एक्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 1 - 4 होल स्क्वायर, कितना आ जाता है 6 - 3 स्क्वायर, 1 - 4 - 3 स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये 18 आ गया, क्योंकि 3 square 9 and 3 square 9 and 9 plus 9 18, क्योंकि माइनस प्लस, करेक्ट? इस पर आते हैं बी सी देखें, आप बी सी क्या मिलता है आपको, बी सी में ये और ये पॉइंट उठा लेंगे हम, कितना आ जाता है 6 - 9 होल स्क्वायर, 1 - 4 होल स्क्वायर। अगेन आप देखेंगे ये -3 स्क्वायर हो जाता है, माइनस से हमारी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होना है, करेक्ट? एक तो ये बात आ गई। अब आ जाते हैं किस पर, हम सी डी पर। सी डी क्या निकलता है हमारा, सी डी में हमें लास्ट के दो कोऑर्डिनेट चाहिए 9, 4 और ये 6, 7, 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव 3 एंड प्लस -3 स्क्वायर, ये भी मुझे अंडर रूट 18 ही दे रहा है। अब देखिए तीन तीन डिस्टेंसेज इक्वल होती जा रही हैं। अब मैं सिर्फ डीए को और चेक कर लेता हूँ। डीए मीन्स दिस वन एंड दिस वन, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, 6 - 3 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर, इट इज 3 square + 3 square, अगेन इट इज 18। अब देखिए यहां तक हमने चारों साइड इक्वल करके दिखा दिया, प्रूफ हो गया कि ये रोम्बस है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब यहां से देखिए डायगोनल क्या है, मैं डायगोनल ये बना लेता हूँ बीडी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीडी भी निकालना पड़ेगा। तो बी और डी के कोऑर्डिनेट आपको देखने हैं, बी और डी के कोऑर्डिनेट है ये और एक, तो कितना आ जाता है 6 - 6 बी के कोऑर्डिनेट। अच्छा, जब भी आपको ऐसा लगता हो कि कंफ्यूजन हो जाएगा कोऑर्डिनेट को, तो आप यहां पर जरूर साइड में रफ में कोऑर्डिनेट लिखो जिस जिसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता लगा 6 - 6 होल स्क्वायर, 7 - 1 होल स्क्वायर, अब आपके पास 0 और ये 6 स्क्वायर, मतलब 36। अब रूट 36 इज 6 यूनिट। अब आपको पता लग गया कि एक्चुअली इस डायगोनल की जो लेंथ है वो 6 यूनिट है, करेक्ट? ये हटा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर मैं इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल बी डी सी, अगर मैं बी डी सी ट्राइंगल लेता हूँ और मुझे ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बी डी का स्क्वायर देखूंगा क्या, तो बी डी का स्क्वायर आपके सामने है, दैट इज बी डी की वैल्यू थी हमारी 36, बी डी स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर, मतलब क्या 36। मैं डी सी भी चेक कर लूंगा, डी सी स्क्वायर, डी सी हमारे लिए कितना आता है वो देख लेते हैं, सी डी, सी डी इज 18 तो था ही हमारे पास सारी साइड, अंडर रूट 18 स्क्वायर, 18 यूनिट, ओके। नाउ आई विल चेक फॉर बी सी, बी सी इज ऑल्सो अंडर रूट 18, ये भी 18 आ गया, क्योंकि स्क्वायर करते ही रूट का वैल्यू खत्म हो जाता है। नाउ अगर आप देखो कि जो बी डी है, बी डी स्क्वायर क्या डी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के साथ मैच करता है, क्योंकि बी डी डायगनल है इस वाली साइड में, तो आप देखेंगे ये 36 इज इक्वल टू 18 + 18 आ रहा है, और आप बोल सकते हो क्या कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइज,
और अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाती है तो इट मींस दिस एंगल एंगल सी इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड एंगल बी एंगल ए एंड एंगल बी दे ऑल विल बी 90 डिग्री इट मींस इट इज नॉट अ रोम्बस इट इज अ स्क्वायर राइट सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट We have to prove two things together. Now,